हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 16.5 से हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड मदर आर रिटेन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स एंड दीज वर्ड्स आर रिटेन आउट एज इन अ डिक्शनरी, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मदर। हमें मदर वर्ड का रैंक निकालने के लिए कह रहा है। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे इसके अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट की, मदर वर्ड्स के अंदर जो लेटर है, तो सबसे पहला लेटर जो आएगा वो आपका ई होगा, फिर एच होगा, फिर आपका एम हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, और फिर ये आर, और लास्ट में ये टी आएगा, है ना जी। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके क्या करेंगे, हम लोग इसी ऑर्डर में एक बार सबसे पहले ई से अगर वर्ड स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, है ना जी। चलिए, तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। ई से पहले स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा, फिर एच से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इसमें इस तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी द वर्ड्स एट ईच स्टेज आर अरेंज्ड, कैसे होता है, अल्फाबेटिकली ना होता है जी, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द गिवन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वी मस्ट कंसीडर, कंसीडर द वर्ड्स बिगिनिंग विथ ई एच एम ओ आर टी इन ऑर्डर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अच्छा, अगर हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि ई जो है ई फर्स्ट प्लेस पे आ जाए, ई विल ऑकर इन द फर्स्ट प्लेस, देन द नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ई, तो ई से स्टार्ट होगा तो आपके अदर कितने, फाइव इसमें लेटर बचेंगे, तो उनके लिए फाइव का फैक्टोरियल यानी कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम लोग लेते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं कि नंबर्स ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एच, वो भी फाइव का फैक्टोरियल यानी कि ये भी 120 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ऐसे कर देते हैं, फ्रॉम नहीं, स्टार्टिंग विथ एम क्या हो जाएगा, ये भी आपका फाइव का फैक्टोरियल यानी कि आ जाएगा 120, है ना जी। चलिए, बट जो मदर वर्ड जो है वो अगर वर्ड स्टार्ट हो रहा है एम से, तो उसमें मदर वर्ड जो होगा एक खुद मदर वर्ड भी उसमें शामिल है, बट वन ऑफ दीज यानी कि इससे जो बनेंगे एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड इज द वर्ड मदर, ठीक है, और खुद आपका एक मदर वर्ड ही होगा, तो यहां पे लिख सकते हैं, सो वी फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग with me and mh, ये ना पहले आता है जी। चलिए,
है ना जी। अच्छा एम ई और एम एच, क्योंकि देखो एम ई और एम एच और तीसरा आपका खुद एम ई था, तो उसके पास है ना एम ई एंड एम एच की बात करेंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एम ई, तो एम ई से स्टार्ट होगा तो बच गए फोर अदर प्लेसेस, तो फोर का फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एम एच, तो इसके लिए भी फोर का फैक्टोरियल, यानी कि इसका भी 24 आएगा, इसका भी आपका 24 आएगा। अच्छा अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखिए, हम लोग जितने भी इसमें ये वर्ड्स देख रहे हैं, अच्छा इसमें अगर एम ई और एम एच को छोड़कर अगर हम लोग एम ओ से देखें, मदर वर्ड के लिए एम ओ से देखें, तो इसके लिए भी एम ओ से स्टार्ट होने वाला भी वर्ड जो होगा, अगर एम ओ से स्टार्ट हो रहा है एम एंड ओ ले लिया जा रहा है, तो इस वाले प्लेस पर ई आ सकता है, एच आ सकता है और आर आ सकता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ही ना होगा जी। तो अगर यहाँ पर लिख सकते हैं कि नाउ नाउ द वर्ड्स बिगिनिंग बिगिनिंग विथ एम ओ मस्ट फॉलो वन ऑफ दीज वर्ड्स, वन ऑफ दीज वर्ड्स इज द वर्ड मदर। ठीक है चलिए, तो अब यहां पे लिख सकते हैं कि सो वी फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ एम ओ ई, है ना जी, एम ओ एच एंड एम ओ आर। तो यहां पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एम ओ एच, तो इसके लिए अदर थ्री प्लेसेस पर गए तो थ्री का फैक्टोरियल यानी कि सिक्स। फिर यहां पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग, गड़बड़ कर दिया हम लोग, अच्छा चलो एम ओ एच पहले लिख दिए, एम ओ ई लिखना चाहिए था, विथ एम ओ ई, इसका भी अदर थ्री के लिए थ्री का फैक्टोरियल यानी कि सिक्स आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एम ओ आर, ये भी आपका थ्री का फैक्टोरियल यानी कि ये भी सिक्स हो जाएगा। ठीक है अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग अब एक और उसमें ले लेते हैं एम ओ टी ले लेते हैं यहाँ पर, अब है ना मदर वर्ड का एम ओ टी लेते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ एम ओ टी इज ओ टी से शुरू होगा तो उसमें थ्री का फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना, ये थ्री का फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे, बट वन ऑफ दीज वर्ड्स, इनसे बना हुआ एक वर्ड ऐसा होगा जो खुद मदर ही होगा, इज द वर्ड मदर। ठीक है खुद मदर ही वर्ड होगा। तो अब इसके बाद लिखेंगे सो वी फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ एम ओ टी एच, अच्छा सॉरी टी एच आ जाएगा, नहीं टी के बाद एच नहीं आएगा, इसमें वर्ड में ई भी था ना पहले,
ई भी था, है ना जी, एम ओ टी। और अगर बात करें सबसे अल्फाबेटिकली सोचे तो आपका ई बच गया, है ना जी, एच एच से पहले ई आता है ना जी, ई ई। तो अब यहाँ पे ई ले लीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एम ओ टी ई, तो बच गए दो को प्लेसेस, तो दो का फैक्टोरियल यानी कि टू आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए जो वर्ड हो वो एम ओ टी एच से शुरू हो, नाउ द वर्ड्स बिगिनिंग बिगिनिंग विथ एम ओ टी एच, है ना, एम ओ टी एच, देन यहां पर लिख सकते हैं द द फर्स्ट वर्ड वर्ड बिगिनिंग बिगिनिंग विथ एम ओ टी एच इज द वर्ड। अच्छा, अगर हम लोग एम ओ टी एच लिए तो उसके बाद ई आना फिक्स है, और ई आ गया तो लास्ट वाला वर्ड तो आर ही बच गया, यानी कि वो वर्ड मदर ही हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब इसके लिए हम लोग वन में हो जाएगा, है ना जी। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं रैंक ऑफ द वर्ड मदर, मदर वर्ड का रैंक की बात कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। पहले आया था 120, फिर 120, है ना, देख लेते हैं एक बार कितना कितना है वैल्यू, भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ है ना जी, 120, है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए 24, फिर 24 ऐसे करके आया है, तो फिर यहाँ पर ले लेते हैं 24, फिर 6 आया है, 6 थ्री टाइम्स आया है, फिर 2 और फिर 1, इन सबको ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो 309 आ जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25।